about the testis. The testis is the male gonad, which is homologous to the ovary of the female. Testis स्पर्मेटिक कोर से सस्पेंड होता है स्क्रोटम. टेस्टिस टू बॉर्डर, टेस्टिस के दो बॉर्डर, दो सरफेस और दो कोर होते हैं, अपर कोर एंड लोअर कोर. दिस इज द अपर कोर एंड लोअर कोर. टू बॉर्डर होते हैं एंटीरियर, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर. एंटीरियर बॉर्डर इसका ट्यूनिका वेजेंजलिस से कवर होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स के लिए होता है और ट्यूनिका वेजेंजलिस से कवर होता है, और पोस्टीरियर बॉर्डर इसका स्ट्रेट होता है और जो कि डेफिशिएंट होती है वहां पे ट्यूनिका वेजेंजलिस के लिए. ठीक है, दो सरफेस इज द लैटरल सरफेस और मीडियल सरफेस इसकी होती है. जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है जो कि ट्यूनिका वेजेंजलिस से आपका डेफिशिएंट होता है यहाँ पे, तो वो आपके उसका पोस्टीरियर लैटरल सरफेस आपकी एपिडर्माइस उसमें कवर किए हुए होता है. दिस इज द एपिडर्माइस, एपिडर्माइस. अगर इसकी स्क्रोटम की ब्रेस्ट कवरिंग की बात करें तो इंटरनल कवरिंग होती है वो तीन आपकी लेयर से कवर होती है. आउटर मोस्ट लेयर, ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्क्रोटम है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन स्क्रोटम में इसकी कवरिंग को दिखाया गया है. तो तीन कवरिंग होती है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी ट्यूनिका वेजेंजलिस से कवर होता है, ट्यूनिका वेजेंजलिस डेफिशिएंट पोस्टीरियरली. और ट्यूनिका वेजेंजलिस दो लेयर हो जाती है, जो आउटर लेयर होती है उसको पैराइटल लेयर बोलते हैं और जो आपकी इनर लेयर होती है जो कि डिस्ट्रल लेयर होगा ट्यूनिका वेजेंजलिस. ट्यूनिका वेजेंजलिस के और इंटीरियर सर्फेस है तो आपको ट्यूनिका एल्यूजिनिया लेयर आपकी आती है. सेकेंड वन लेयर एल्यूजिनिया व्हाइट, जो व्हाइटिश लेयर होती है जो कवरिंग की हुई होती है इसको. उसके बाद आपकी इनर मोस्ट लेयर जो कि विस्ट्रल विस्ट्रल के कॉन्टेक्ट में होती है वो आपके विस्ट्रल ट्यूनिका वास्कुलोसा जो कि आपके टेस्टिकुलर आर्टरी के कॉन्टेक्ट में रहती है, वास्कुलोसा ट्यूनिका वास्कुलोसा कहलाती है. इसी के साथ अगर इसकी और अगर ट्रांसवर्स सेक्शन को अगर देखते हैं तो इसमें आपके पोस्टीरियर एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर देखते हैं तो पीछे की तरफ जाते हैं तो वहां पे जहां पे ट्यूनिका वेजेंजलिस के लिए आपकी डेफिशिएंट होती है तो उसी में आपके उस मल्टीपल सेप्टा इस ट्रांसवर्स सेक्शन में प्रेजेंट थे, तो मल्टीपल जो सेप्टा आपके प्रेजेंट थे तो वो आपके पोस्टीरियरली जाके अच्छा मल्टीपल सेप्टम और लोब्यूल पोस्टीरियरली जाके स्ट्रेट और इनरेगुलर टाइप के हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं मीडियास्टिनम ऑफ द टेस्टिस. मीडियास्टिनम ऑफ द टेस्टिस कहलाता है वो. तो दिस इज द मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनल टेस्टिस पोस्टीरियरली. और मीडियास्टिनल टेस्टिस बाद में ये इसकी जो आपकी जो 200 to 300 आपके मीडियास्टिनल टेस्टिस से अगर इंटीरियर ऑफ द टेस्टिस में अगर चलते हैं तो उसमें आपके मल्टीपल लोब्यूल्स मिलते हैं जिनकी वे अराउंड 200 से 300 नंबर में वो होते हैं मल्टीपल लोब्यूल, और जिनमें आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपके रन करते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपके रहते हैं 3 to 4 नंबर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बीच लोब्यूल में आपके होते हैं. ठीक है, तो 200-300 लोब्यूल्स आपके होते हैं और उसके बाद आपके उसके अंदर आपके 2 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसके अंदर. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन सेप्टा में जो कि आपके इंटीरियर ऑफ द टेस्टिस होते हैं तो वहां पे तो ये एक थिक होते हैं, पर जैसे ये मीडियास्टिनल टेस्टिस की तरफ आते हैं तो इनकी थिन हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं और वहां पे एक कॉम्प्लेक्स एक प्लेक्सस टाइप का बनाते हैं मिलके थिन
ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, थिन लेयर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कहलाता है रेटिटेस्टिस, उसे रेटिटेस्टिस बोलते हैं। थिन लेयर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि 20 से 30 की नंबर में होते हैं जो आपको मिल जाते हैं, तो उसे रेटिटेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, इसके अब यहाँ पे ये रेटिटेस्टिस था। रेटिटेस्टिस के बाद अगर देख तो इसके जो पोस्टीरियर एंड पे आपके जो टेस्टिकुलर आर्टरी प्रेजेंट होती है, टेस्टिकुलर आर्टरी के जो कि ट्यूनिका बैजेनेलिस का डेफिशिएंट पार्ट होता है, यहाँ पे आपका अटैचमेंट डायमंड पार्ट, तो यहाँ पे टेस्टिकुलर आर्टरी आपकी एक तरीके से मल्टीपल सेप्टा में आपके डिवाइड हो जाती है और कॉरेस्पॉन्डिंग आपके जो आपके लोब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस थे जो मल्टीपल वीनस प्लेक्सेस प्रेजेंट होता है। इसी टेस्टिकुलर आर्टरी के सराउंडिंग मल्टीपल वीनस प्लेक्सेस होती है, मल्टीपल वीन्स होती है जिनको बोलते हैं पेपरिनिफॉर्म प्लेक्सेस जो इसको कवर किए होती है। इसका थर्मोवेंटिलेशन में और प्लस आपकी मेन वेन आर्टरी के मेन आपके कॉन्ट्रेक्शन में इनका मेन रोल होता है। तो पेपरिनिफॉर्म प्लेक्सेस सराउंडिंग द टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक है, इसी के यहाँ पे आपके सेमिनल आपके बाइस डिफरेंस आपका प्रेजेंट होता है। बाइस डिफरेंस के सराउंडिंग भी आपके मल्टीपल वीनस प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो कि वेन्स उनको ड्रेन कर रही होती है, अल्टीमेटली आपके जाती है। जैसे कि राइट साइड की आपकी अगर आर्टरी और वेन सप्लाई की बात करें टेस्टिस की, तो आर्टरी आपकी डायरेक्ट ब्रांच, राइट आपकी डायरेक्ट ब्रांच आपकी ओर्टा से है, लेफ्ट आपकी दोनों ब्रांच आपकी ओर्टा से जो कि L2 लेवल से आपके राइज कर रही होती है आर्टरी सप्लाई होता है टेस्टिस। और जो वेन्स है राइट वेन आपकी इंफ्रेबिना का वहां पर आपके सप्लाई वाला ड्रेन करती है, और लेफ्ट वेन जो आपके लेफ्ट रीनल वेन में आपके ड्रेन कर रही होती है। ठीक है, और ये पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सेस के बारे में है कि पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सेस आपका सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिगामेंट तक आपका पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सेस होता है जब ये असेंड अप हो रही होती है, और उसके बाद सुपरफिशियल से डीप तक ये 4 नंबर में जाता है, फिर ये सिंगल आपकी रीनल वेन रह जाती है जो कि असेंड अप होकर आपकी कोरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड रीनल वेन और राइट साइड के इन्फ्यूजन का वहां पर ड्रेन करती है। जो एपेंडिटाइलिस का पार्ट होता है जो कि आपके ट्यूनिका वेजाइनेलिस, जो कि पोस्टीरियर ट्यूनिका वेजाइनेलिस को कवर नहीं की होती पर एक फोल्डिंग होती है जहां पे आपके एपेंडिटाइलिस आपका पोस्टर लेटरल पार्ट में आपके डायरेक्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं साइनस ऑफ द एपेंडिटाइलिस। जो ट्यूनिका वेजाइनेलिस का एक गैप बना हुआ होता है, ग्रुप टाइप का बना हुआ होता है, साइनस ऑफ द एपेंडिटाइलिस।